हीरो होता है स्मार्ट एक्टिव ब्रिलियंट कहने वाले यही जाबाज है हमारे हीरो कार्तिक। देखिए वैसे कार्तिक नाम रखने के पीछे कोई खास वजह तो नहीं है, एक अच्छा सा नाम है, लेकिन अच्छा नाम है दैट्स ऑल। और बाइक रेसिंग इनकी हॉबी है, हॉबी के बजाय पैशन कहे तो और भी बेहतर होगा। ये जो भीड़ देख रही है ना, ये दिल्ली रेसिंग की तैयारी कर रहे हैं। न्यू जनरेशन का एक रियल रिप्रेजेंटेटिव वो है कार्तिक। अब हीरोइन की ओर रुख करते हैं हम लोग। इंदुजा नाम में शालिनता। नाम में शालीनता है मगर स्वभाव में वो नहीं है। वेरी बोल्ड बबले एंड एनर्जेटिक, वरना कैंपस के बॉयज इन्हें घोड़ी करके पुकारेंगे क्या? अंधी है क्या? सिग्नल और जीब्रा लाइन देखे बगैर गाड़ी चला रहे हो तुम? ओहो सुनो, खुल चक्कर मारकर इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। क्या कहा? मैं तुम्हारी तरह गाड़ी नहीं चला रही थी। देखो तुम कितना भी कोशिश कर लो, मेरे हाथ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि गलती मैंने नहीं की है और ना ही स्पीड गाड़ी चला रहा था। इस तरह अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करे हो तुम? देखो गलती हम दोनों की है, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। टक्कर देकर सफाई दे रहे हो, चल फुट यहाँ से। सुबह सुबह पैसे ऐंठने के लिए घर से निकल पड़ी है गाड़ी लेकर। प्रतिरोध करने वाली इस घोड़ी की पावर को आपने देख लिया ना, वो भी आंखों के सामने देखा। एक बेहतरीन सिंगर भी है ये, ब्लू चैनल के द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेकर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट जीतने वाली लकी विनर है ये इंदुजा। चलो बैठो। कई पॉजिटिव क्वालिटीज है इंदु में, मगर एक माइनस क्वालिटी भी है, वो है आंख मोन कर इंटरनेट के इश्तहारों पर विश्वास करना। थैंक यू दीदी। आहा
आज भी है इस बच्ची के हाथ में आइसक्रीम। ये तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी थी, मुझे देखकर कांप रही थी ये। इसी तरह आइसक्रीम खाती रहोगी ना तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, तुम दादी माँ बन जाओगी। अरे जा, दांत को टूटने दो अंकल जी, तुम अपने बारे में सोचो। बहुत ही अच्छी बच्ची है। अच्छा ये बताइए, बेटी की शादी कब होने वाली है? अब मैं क्या करूं बेटी, दहेज के लोभी ही रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, यहाँ वॉचमैन की नौकरी करके कितना कमा लूंगा मैं। हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटी मैं जरा देख कर आता हूँ। माँ चाय। पहले तुम बहुत अच्छी थी, आजकल ऑर्डर करने लगी हो। ऑर्डर चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मन किया तो घर में रुकना, नहीं तो बाहर जाना। मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती, बड़ी आई। ये लो पियो। क्या हुआ, आज तुम बहुत ही गुस्से में लग रही हो? मैं लेट आई इसलिए क्या, या फिर कार्तिक के साथ मेरा घूमना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम कार्तिक के साथ जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्या इरादा है तुम्हारा? तुम दोनों के बीच मैं या उसके घर वाले दीवार नहीं है, सबकी वजह तुम्हारी जिद ही है। नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेती, तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करने में वो और उसके माता पिता सक्षम है, फिर क्यों नौकरी करना चाहती हो? अरे माँ, आजकल लड़की के पास नौकरी है तो ही हस्बैंड पीछे पीछे घूमेगा। देख क्या इसी साल तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, बोलो। नौकरी मिल गई है, वो भी इसी साल में। कहाँ है पता है, मशहूर स्काई ब्लू चैनल में उन्होंने 1,00,000 रुपया डिपॉजिट किया है। सच बोल रही हो? मेरी सारी काबिलियत को देखने के बाद ही उन्होंने मुझे ये नौकरी ऑफर की है। अरे माँ देखती रहना, मैं हिला कर रख दूंगी। हे ईश्वर। बेटी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, परंतु एक बात है, अभी वो जो स्कूटी यूज कर रही है वो उसकी खूबसूरती के सामने बिल्कुल फीकी पड़ गई है। उस 1,00,000 रुपए में से वो एक अच्छी स्कूटी खरीदने वाली है, उसे तुम रोको मत, ये मेरा ऑर्डर है। हाँ रजीना। रचना आ रही हूँ दादी। ठीक है, जल्दी आओ बेटी। हाँ आजकल तुम यहाँ आती नहीं हो बेटी। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली है दादी। ये बात है। दक्षिणा। ये सब क्या है? आप आशीर्वाद दीजिए बस। हे ईश्वर, गरीबी और दुख से इसे सदा दूर रखो, यही दुआ मांगती हूँ तुमसे। हे ईश्वर रक्षा करना। किस लिए तुम दादी माँ को मस्का लगा रही हो? रचना इन पैसों पर भगवान कार्तिक का ही हक है, तुरंत भेज दो ना। दादी जब मैं पोस्ट ऑफिस गई तो पता चला कि पोस्ट ऑफिस बंद है। कार्तिक भगवान बहुत ही दयालु हैं। बैंक अकाउंट है, कैश ट्रांसफर करा देती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, जहाँ पोस्ट ऑफिस है मैं वहाँ जाकर मनी ऑर्डर करा दूंगी। अरे आप पैसे क्यों दे रहे हैं, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। मैं रख लूँ क्या?
हे ईश्वर, चलती हूँ जी दादी। बता यार। ये रख लो टेक्स्ट और गाइड खरीदने के लिए, पकड़ो ना। सच बताओ, तुम्हें कोई लॉटरी लगी है क्या? बहुत दया दिखा रही हो। आओ बता दे। चलो तुम, मैंने तुम्हें कहा था ना एक नौकरी के बारे में नेट के जरिए मिली थी, उसका एडवांस मिला है मुझे। खैर, तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक एक नौकरी मिल गई। ये बता, तुम दोनों का प्लान क्या है? तुरंत शहनाई बजेगी? चुप कर, हद करती हो। अभी तो नौकरी मिली है, पहले पैरों पर तो खड़ी होने दो। अच्छा तुम आ रही हो, मैं एक सरप्राइज आइटम खरीदने जा रही हूँ। जरूर आती मैं, लेकिन दादी माँ अकेली जो है और माँ तंजौर गई है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस सरप्राइज की कीमत क्या है बोलो? यूं ही लगभग 50,000। अच्छा फिर सुनो, पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी जरूर ले लेना तुम। मान गई, तुम अक्लमंद तो हो, लेकिन स्कूटी के बारे में ऐसा वैसा मत बोलना, क्योंकि मैं वो तुम्हें देने वाली हूँ। पेट्रोल भरने के लिए हर महीने 1,000 रुपए अलाउंस दूंगी। देखो वो कैसे घूर रहा है। थोपड़े से लगता है मवाली है। वेलकम मैम। हेलो। ये लेटेस्ट मॉडल है, 135cc। हाँ, वो ब्लैक वन? ये हमारी प्रेस्टीजियस मॉडल है मैम, 55,000। इंदु, जरा वहां देखो। आई अप्रिशिएट योर कलर सेंस। हाँ, 100 किलोमीटर देती है, अच्छी मूवी है मार्केट में। अच्छी है ना? हाँ। क्या करूं, ले लूं क्या? बहुत ही खूबसूरत है ये स्कूटी। इस दाम में दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। बेशक टीवीएस है, हिम्मत से लो, कुछ और मत सोचना। देखो दादी अकेली है, तुम मामला निपटाने के बाद घर आ जाना। अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। यही ले लेती हूँ। ओके ओके, ठीक है मैं फोन करता हूँ। साजन, इंदु, इतने दिन कहाँ थे? हाँ? तुम्हारे साथ वो फिगर कौन है? मेरी शादी हो गई, वो मेरी लुगाई है। बड़ा आया, मैरिज, उस दिन गंगा उल्टी बहेगी। ओ, सच बोल रहा हूँ, उसके गले में मंगलसूत्र देख रही हो ना? अरे रे, पहले भी मंगलसूत्र वाली के पीछे भागते थे तुम, टीचर को भी तुमने नहीं छोड़ा था। अरे अरे मेरी जान, जरा तुम इन तस्वीरों को देखो, मेरी शादी की ही फोटो है, देख लिया ना? हाँ, अब तो मुझे विश्वास हो गया। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? कुछ भी हो, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? क्या बताऊँ मैं, तुम जानती हो ना, पिछले 2 साल से मैं बेंगलोर में ही रह रहा हूँ। एक फ्रेंड की बात सुनकर व्हाट्सएप पे इससे दोस्ती हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हड्डी मेरे गले में पड़ जाएगी। ये माल मुझसे 10 साल बड़ी जो है। हाय। जानती हो, इसने मुझे मैसूर आने का न्योता दिया। कुछ पल के लिए मैं शाहरुख खान बन गया था। तब वो इतनी भद्दी नहीं थी, वो सुंदर थी। इसे देखते ही मेरा मन गाने लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। फिर क्या, जबरन मेरी शादी करा दी, क्या बताऊं? और इसका बाप समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गुंडा है, मैं उसके जाल में फंस गया। इस बुढ़िया की फोटो नहीं देखी थी क्या? लव इज ब्लाइंड, इसने अपनी फोटो की जगह अपनी कजिन सिस्टर नगमा की फोटो व्हाट्सएप पे लगाई थी। क्या जालिम जवानी थी नगमा की, उस पे तो कोई भी फिसल कर गिर जाएगा। हाँ, मैं भी फिसल गया। नो नगमा, ओके, नगमा इज वेरी वेरी बैड। आई ओके, वेरी वेरी गुड, गुड, ओके, भूल जाओ, मौके के अनुसार छोड़ देना इसे। ओके, ऑल द बेस्ट। अब क्या बेस्ट? कम कम, अरे छोड़ो छोड़ो, आ रहा हूँ ना। आ, 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 आ,
ये क्या मैडम, आप तो बहुत ही गुस्से में हैं। तुम हटो, मुझे जाना। कम ऑन, इतनी भी जल्दी क्या? कुछ तो बात करो। ऐसे क्या बात करूं मैं, यहाँ से गए तुम्हें कितने दिन हो गए? तुमने फोन किया क्या, कोई मैसेज किया क्या? नहीं ना। अरे मेरी जाने मन सॉरी, मैं बिजी था, पता है ना तुम्हें। ऐसा है तो एक काम करो, फुल टाइम बाइक को अपने सीने से लगा कर रखना, जरा देखने दो मेरी तरह सुशील और रूपवती तुम्हें कहाँ से मिलती है। बाजू हटो। इंदु, इंदु। माँ, एक मैसेज आया है, स्काई ब्लू चैनल के लिए किसी का इंटरव्यू लेना ही मेरा पहला काम है। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ली तुमने। बेटी, पहले हम सुदीश के कर चुकाएंगे, सुनने में आया है कि वो यहीं पर है। वो सब चुकाएंगे माँ। तुम्हारे पिता को रूट कर गए 15 साल हो चुके हैं, उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तुम्हारा एक नाम है, रहने के लिए फ्लैट है और फिलहाल तुम नौकरी भी कर रही हो। ये सब बातें अभी क्यों कर रही हो माँ? बताती हूँ, काश कल अगर तुम्हारी माँ मर भी गई तो तुम्हें फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा। कहीं तुम्हारे डैडी वापस आ गए, तुम उन्हें अपनाओगी क्या? तुम्हें कहने के लिए और कुछ नहीं है क्या? हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, आई एम श्रीधर आर पिल्ले। ईमेल में बताया था ना, प्रोग्राम डायरेक्टर। हाय सर। हाय, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, बात सुनो। परसों दिल्ली में बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड फंक्शन होने वाला है और उस अवार्ड को लेने के लिए धनलक्ष्मी ग्रुप के राकेश मेनन वहाँ पर गए हैं। अगले दिन वो लौट के आएंगे और तुम्हारा पहला काम है उनकी इंटरव्यू पूरी तरह लेना होगा। मगर सर, सुना है कि मेनन सर बहुत ही बिजी आदमी है, क्या वो इंटरव्यू के लिए बहुत जल्द राजी होंगे? वहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हारी काबिलियत को परखने के बाद ही हमने डिसाइड किया है। और फिर बात करने का ढंग, नम्रता और मीठी आवाज में बोलोगी तो कोई भी फंस जाएगा। क्यों? इसके लिए मुझे वहाँ किसे कांटेक्ट करना होगा सर? वहाँ एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, निवेदिता, वही सब कुछ देखती है। उसे मस्का लगाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय सर। किससे तुम प्यार से बातें कर रही थी? उस इंटरनेट प्रोग्राम के डायरेक्टर से। माँ, मैं किसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ पता है तुम्हें? किसका? द ग्रेट बिजनेसमैन राकेश मेनन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे के मुताबिक बिजनेस अवार्ड सम्मानित किया। बिजनेस भवन में आज शाम केंद्रीय व्यवसाय मंत्री ने सभी को अवार्ड दिया। सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन का अवार्ड श्री राकेश मेनन को सौंपा गया। मेनन के कई कंपनियों में से एक धनलक्ष्मी ग्रुप, जिसे सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेट्स। यू आर वेलकम। निवेदिता, प्लीज कम। यस सर। तीन दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आज बहुत ही बिजी रहूंगा। टुडे नो विजिटर्स अलाउड। यस सर। इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही अर्जेंट फाइल हो तो मेरे पास भेज देना तुम। डन सर। एनीथिंग एल्स? सर, एक डिटेक्टिव एजेंसी की इनॉग्रेशन है आज। 12 बजे का समय है, 2-3 बार फोन भी आ चुका है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एक केंद्रीय मंत्री ने भी कहा था इस फंक्शन के बारे में। मैं बोल देती हूँ कि आप तुरंत वहाँ जाने वाले हैं। I will come back within one hour. Okay, sir. Come. Boss is very busy today. Divert all his calls to me, okay? Okay, ma'am. Hello. निवेदिता मैडम हो ना? मेरा नाम इंदुजा है, मैं Sky Blue चैनल में काम करती हूँ। हाय इंदुजा, बोलो। You have a nice name. आपकी आवाज भी नाम जैसी है।
बिल्कुल ट्विंकल जैसी है। आप डबिंग क्यों नहीं कर लेती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। खैर, किस लिए फोन किया है? लंबी उम्र के लिए ब्रह्मा को मस्का लगाना पड़ता है ना? आपकी मदद की जरूरत है। राकेश मेनन का इंटरव्यू लेने के लिए चैनल वालों ने मुझे अपॉइंट किया है। ओह सॉरी इंदुजा, पहली बात बॉस आकर चले भी गए हैं, एक उद्घाटन समारोह में गए हैं और फिर 3 दिन यहाँ पर नहीं थे, इसलिए आज वो बहुत ही बिजी हैं। क्यों ना हम कल रखते हैं? आज कितना ही लेट क्यों ना हो कोई बात नहीं, कैमरामैन, एक असिस्टेंट और मैं ही रहूंगी, कुल 3 लोग ही हैं। हम रिसेप्शन में वेट करेंगे। इस प्रकार बोलोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? सेंटिमेंट को वर्कआउट कराने के लिए दीदी बोल रही हो? अरे अरे नहीं, फोन से बात कर रही हूँ लेकिन थोड़ा अपनापन लग रहा है मुझे। मैं अपनी रिस्क पर तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ, बॉस के यहाँ आते ही मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। बॉस के निकलने से पहले ही तुम उनका इंटरव्यू ले लेना। वो भी अगर वो परमिशन देंगे तो ही। हाँ, तुम नीचे लॉबी में वेट करना और बुलाने से ही ऊपर आओगी। थैंक यू माई स्वीट दीदी, बाय, टेक केयर। ओके। ये है ब्लूटूथ पापचन यानी सजीव पापचन, यारी में ये जहाँ भी लुटा देते हैं, इनके सहकर्मी हैं ये सब, जंबो, जिराफ, जॉन और फिर जैकी। जैकी का कार टेकर चरण वर्मा। केवल बाथरूम में ही आप मिस्टर पापचन को विदाउट ब्लूटूथ देख सकते हैं। जब बेटा बीएसएफ में कमांडेंट थे तब इनके पापा के मन में ख्याल आया कि बेटे को एक आईपीएस ऑफिसर बनाना है। अंत में उनकी कमांडेंट की नौकरी भी चले गई और आईपीएस भी नहीं बन पाए। अचानक दूसरा ख्याल ये आया कि उन्हें मेजर बलवंत के समान एक डिटेक्टिव बनाना, वो सपना पूरा हो गया। देखो आ गए। अरे वो पहुंच गए, पहुंच गए। कैंची कहाँ है? रेडी रेडी। वेलकम सर। सब रेडी है ना? एवरीथिंग रेडी सर, प्लीज कम। नमस्ते सर। मैंने सोचा कि क्राउड होगी। आई एम अगेंस्ट द क्राउड एंड पब्लिसिटी, वर्क इज अवर स्लोगन। गुड, आई अप्रिशिएट योर स्लोगन एंड मोटो। थैंक यू सर। मिस्टर सजीव पापचन, तुम्हारी इस एजेंसी को हमेशा कामयाबी मिले इस शुभकामना के साथ मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूं। All the best, Mr. Sajeev Papachan. Thank you, sir. Thank you very much. ओहो, ये कमाल की घड़ी है। आइसक्रीम और बिस्कुट वगैरह नहीं है अंकल? हाँ, वो सब है। तुम अंदर जल्दी जाओ, आइसक्रीम खाओ, खाओ, जाओ। ये सब मिलेगा बोल के यहाँ लाए हैं। अगले साल खिलाएंगे आइसक्रीम। जरा जल्दी आ जाना टाइम पे, नहीं तो ये मोटे अंकल सब अकेले ही खा जाएंगे। इनको मुफ्त में तेजाब भी दोगे तो पी जाएंगे। मतलब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है और आज बिजनेस मैग्नेट राकेश मेनन की इंटरव्यू लेने जा रही हो। अब हमको भूल जाओगी? याद कैसे रखूं भला? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? वो सब बाद में सोचेंगे, इंटरव्यू में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मेरी नौकरी पक्की होगी। पहले मेरी नौकरी तो पक्की होने दो, फिर शादी करेंगे। इंटरव्यू तुम हिला के रख दोगी, कुछ भी हो उनकी सेक्रेटरी को तुमने पस्त कर दिया ना। मगर फिर भी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम हो रहा है।
अलविदा दी दीदी। मैं इंदु, मैंने पहले ही कहा था ना, आज सर बहुत ही बिजी हैं। आई अंडरस्टैंड दीदी, हम ऊपर आकर बैठते हैं, उनके फ्री होते ही हम उनसे मिल लेंगे। आखिर बांग्लादेशियों को जगह देने वाली बात हो गई। तुम लोग मुझे भी बाहर कर दोगे? हाँ खैर, जल्दी आ जाओ। कम टू 13th फ्लोर। मुझे पहचान लोगे ना? इतनी सुंदर आवाज की मलिका जरूर सुंदर होगी, और उम्र 30 होगी। यहाँ तुम धोखा खा गई। आई एम 30+। पुलिस वाला भी धोखा खा जाता है दीदी। अच्छा हम लोग आ गए हैं। कम कम दीदी। हाँ। वन मिनट। ओके। टाइम हो रहा है। बस 10 मिनट। आज बॉस इंटरव्यू देके ही रहेंगे। ओके थैंक यू। देन कम। चलो। यो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। थैंक्स फॉर अलाउइंग अस फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एंड बिग थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग माय फेस। इसी चैनल के प्लेबैक सिंगर प्रोग्राम में मैं विनर थी। यस यस आई रिमेम्बर। एंड यू गॉट द फ्लैट एज़ वेल। Yes, you may start now. कुछ भी छुओ तो वो सोना बन जाता है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने जो भी बिजनेस किया है उसमें केवल विजय हासिल करके हिंदुस्तान में स्वयं को बेस्ट बिजनेसमैन और बिजनेस के क्षेत्र में विजय का परचम लहराने वाले ये देखिए मिस्टर राकेश मेनन हमारे चैनल को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं। मेनन सर बताइए। okay. इस बिजनेस साम्राज्य की स्थापना को लगभग कितने साल हो गए होंगे? यूं 20 साल तो हो गए होंगे। मेरा आखिरी सवाल, इस जीत के पीछे किसका हाथ होगा? माय फैमिली, स्पेशली माय वाइफ सुचित्रा, और फिर मेरी कंपनी के सहयोगी देन वेल विशर्स, इन सब की मदद से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। राकेश जी के विजय के राज के बारे में आपने सुना ना? उन्हें और धनलक्ष्मी ग्रुप को, ऑफिस के कामकाज को देखने वाली निवेदिता मैडम को और सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव दामोदर भाई को शुभकामनाएं देते हुए कैमरामैन अजय घोष के साथ आपकी अपनी इंदुजा। थैंक यू सर। एडिटेड कॉपी कल मैं आकर निवेदिता दीदी को दे दूंगी। टेलीकास्ट का टाइम बता दूंगी। ओके। एंड गुड नाइट स्मार्ट गर्ल एंड द क्रू। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग डैड। हाय गौतम। How was your exams? Wonderful. Okay, okay, good. अच्छे फूल हैं सर। फूल तो अच्छे ही होंगे ना? चलो। ये बुके किसने दिया? सच कहूँ तो दिल्ली के अवार्ड से भी ज्यादा अहम मेरे लिए यही बुके है, और देने वाले हैं ऑफिस के सबसे सीनियर दामोदर भाई। जरा मुझे फ्रेश होने दो। चलो बेटा। हाँ एक बात बताना भूल गया, आज इंटरव्यू के लिए चैनल से कुछ लोग आए थे। अवार्ड की खबर तो 2 दिन पहले ही आ गई है। हाँ, ना वो निवेदिता की जान पहचान की लड़की है। स्काई ब्लू टीम के कौन बनेगा सिंगर में जिसे फ्लैट मिला था ना, वही बची थी। इंदु, ए स्मार्ट यंग गर्ल। मुझे क्या बताऊँ मैं सुचित्रा, मैं ऑफिस में बहुत थका हुआ था तभी वो बच्ची आ गई। पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो का हाउस बच्ची को 2 मिनट के अंदर उसने मुझे चुस्त कर दिया। अगर ये बात है तो उसे ऑफिस में ही नौकरी देते। हाँ। उसका फायदा आपको ही होगा ना। हाँ, बहुत सो बाद में सोचेंगे। वैसे आज के प्रोग्राम से कंपनी को फायदा होगा, तुम उसे सेल्फ मार्केटिंग भी कह सकती हो।
सच कहूँ तो ये तो गणपति बप्पा का कमाल है, उनकी शक्ति से वाकिफ हो गए ना। अवार्ड भी दिलाया। समझ गया डियर। दिन में बिना परमिशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के पास पहुंच गई। सिर्फ इस ग्रुप की नहीं, अगर आप यूएन सेक्रेटरी भी बन गई तो कोई बात नहीं। पता क्यों? अगर मैंने परमिशन मांगी तो आप मना नहीं करेंगी, फिर किस लिए टाइम बर्बाद कर रही हैं? ओके, आज भी बॉस को तंग करने का प्लान है? अरे मेरी प्यारी दीदी, कल जो इंटरव्यू किया था ना, उसकी एडिटेड कॉपी देने आई हूँ। लीजिए ये बॉस की कॉपी, ये आपकी कॉपी। टेलीकास्ट से पहले इसे सर्कुलेट करके मुझे बदनाम मत करना। ओ, इतनी बोरिंग है क्या ये? अरे नहीं नहीं, इसे आप देख सकती हैं दीदी। फिर बोलना, इस छोटी बहन का काम कैसा रहा? अभी टाइम नहीं है, बॉस आने वाले हैं, मैं घर जाकर देखती हूँ। खैर ओके दीदी, मैं चलती हूँ, देख के फोन करना। बाय। बाय। हाँ, come on. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon. देखिए सीडी लाने के लिए बोला है। हाँ, वो बच्ची बॉस को कहाँ मिली थी? हाँ, लिफ्ट से आते समय बॉस ने उसे देखा और उस बच्ची ने कहा कि उसकी सीडी यहाँ जो है, सीडी लाने के लिए बॉस ने जो बोला। ओ, अच्छी बात है। अच्छा, बॉस के साथ ये नया अवतार कौन है? हाँ, बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली रक्षक। बॉस के लिए नियुक्त नया बॉडीगार्ड। सर, प्रोग्राम में बाद में देख लूंगा। वैसे फीडबैक कैसी रही? चैनल के सभी लोगों को बहुत पसंद आया, उस कारण मुझे एक नया काम सौंपा है। क्या? और शूटिंग? नहीं, और नहीं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इंडिया के नंबर वन बिजनेसमैन हो, आपका एक दिन कैसा है उसी पर निर्धारित है ये प्रोग्राम। वैसे साथ साथ चैनल का कैमरा भी चलता रहेगा, एक दिन में ही शूट कर लेंगे और एक घंटे का प्रोग्राम चैनल में दिखाएंगे। कहीं मेरी छवि को बिगाड़ दी तो? नॉट एट ऑल सर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। सोच समझ के आगे बढ़ना होगा मुझे। अच्छा, ये लो कार्ड, दो दिन के बाद बुलाना। मगर फैसला पॉजिटिव होना चाहिए प्लीज। सोचने दो, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, आई डोंट डिसअपॉइंट। थैंक यू सर।
और बताओ। क्या बताऊँ मैं। अच्छा छोड़ो, चलो मेरे साथ तुम मेरे फ्लैट चलो। अरे मैं नहीं आऊंगी, तेरी माँ ऐसे घूरती है जैसे एक्सरे ले रही हो, शर्म से लाल हो जाऊंगी मैं। हाँ हाय आंटी, मैं मदद करूँ? नॉट एट ऑल, ये बोझ तो मैं उठा लूंगी। आंटी अमलू से कहना कि मैंने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में क्यों, क्या बात है? पता है परचेसिंग के बीच पिज्जा की डिमांड कर रही थी वो। और मेरे पास समय की जो कमी थी। कोई बात नहीं, मैंने भी पिज्जा के लिए ऑर्डर दिया है, एक उसको दे दूंगी। हाँ तुमने उसे बिगाड़ के रख दिया इंदु। बिगाड़ा? मुझसे अच्छी लड़की आपको कहीं मिलेगी क्या? मेरे लिए ये सब खरीदने के लिए आप ही लोग है ना। तो फिर मैं? तू तो मेरी सब कुछ है जानेमन। तुम लोग बात करो। हाँ। मैं चली। परचेस वगैरह उनके हस्बैंड क्यों नहीं करते? समझ जाना सबके सब भूखे मर जाएंगे, वो मदद भी नहीं करते हैं। उन्हें साइबर सेक्स और ऑनलाइन गैम्बलिंग ही पसंद है। I'm a baby girl. Baby girl. Imagination. फ्लैट बस गया क्या बे? हैं? पहुंचते बताना। बाइक को कंट्रोल करना सीखो। ओके ओके, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। ओके केयरफुली। बाय, सी यू अगेन। दारू की बोतल में सब पानी भरता है, ना कहना माइकल दारू पी के धंधा कर। हेलो इंदु, हाउ आर यू? फाइन अंकल। हाल ही में टीवी में तुम्हारा एक प्रोग्राम देखा मैंने, ना भूल गया। लवर्स कॉर्नर, लवर्स कॉर्नर। इट्स रियली वेरी गुड यार, फैंटास्टिक, सुपर, वंडरफुल। यू परफॉर्म वेरी वेल, वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। कोई नया प्रोग्राम है क्या? हाँ वो तो प्लान कर रही हूँ। हाँ तुरंत ही होगा। इट्स गुड गुड। अभी आंटी ऊपर गई हैं। पहुंच गई वो डायन। अंकल जरा मिलजुल के परचेस करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। आई एम रेडी टू टेक हर, बट बेटी वो नहीं आने वाली, वो मेरे साथ कहीं भी घूमने नहीं आने वाली, यही तो प्रॉब्लम है ना। उफ, वो बार की बात नहीं कर रही थी मैं, ये जो घर के सामान है वो। यानी चावल मिर्ची साबुदाना कद्दू, यही मतलब है ना। ये सब उसका काम है, दिस इज नॉट ऑफ माय बिजनेस। ओके, ऐसे भी सासू माँ है उसके साथ मदद के लिए। लुक हिंदू, आई डोंट एक्सपेक्ट सच सिली क्वेश्चंस फ्रॉम यू। यू ओके? डोंट रिपीट इट। दारू की बोतल में साहब बने बरसा है। कैसा है मेरा पड़ोसी? मान गई मैं उनकी धर्म पत्नी और उनकी बच्ची को, हम उस फैमिली की हेल्प कैसे करें? इस तरह के आदमी को सिर्फ मार की जरूरत है। उनकी हॉबी क्या है पता है? आंटी के गैर हाजिरी में उनके फेसबुक को चेक करते हैं और फिर गाली देते हैं। महीनों से दोनों में बोलचाल नहीं है। उफ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ प्रोग्राम कैसा था बताओ? ग्रेट, हमने जो सुना था उससे भी बढ़कर है उनकी पर्सनालिटी। गुड इवनिंग इंदु। वेरी गुड इवनिंग सर। उस वन डे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस है? बेशक है। आपके एग्री होने के बाद ही मैंने प्रोग्राम डायरेक्टर को बताया। तो फिर एक और बात उनसे कह देना, तुम
कि आगे से उनके लिए कभी तुम काम नहीं करोगी एंड यू आर जॉइनिंग माई कंपनी। व्हाट? ये भला कैसे हो सकता है सर? इस बारे में आपने मुझे कोई खबर भी नहीं की। ये क्या, चैनल के साथ लीगल एग्रीमेंट है क्या तुम्हारा, या फिर कोई फाइनेंस डीलिंग? सो तो है सर, उन्होंने मुझे 1,00,000 एडवांस दिया है। ओह, फॉरगेट अबाउट इट, वो कल ही तुम लौटा देना। अगर तुम हाँ कहो तो मैं इसी वक्त तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। मुझे जरा सोचना होगा सर। अभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? दुबई से एक ऑफर आया है। दुबई से? उससे भी ज्यादा सैलरी अगर मैं तुम्हें दूं तो फिर तुम कभी दुबई नहीं जाओगी ना सर? वो अगर तुम्हें ओके है तो कल ही अपॉइंटमेंट लेटर घर भिजवा दूंगा मैं। एंड योर सैलरी विल बी 75,000 मंथली। 7 साल काम करने के बाद भी निवेदिता की सैलरी 50,000 ही है। एक्सेप्ट सर। ओके इंदु, प्लीज फॉरवर्ड योर बायो डाटा टू माय मेल आईडी। ओके, ठीक है सर। बाय दो, गुड नाइट। गुड नाइट। सर फोन? हाँ। यस इंदु। सर, आई हैव अ प्रॉब्लम। चैनल ने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी सर। व्हाई? तुमने मुझसे कहा था कि मेनन मान गए हैं, फिर अब क्या हुआ? इट्स ट्रू सर, मगर मेनन साहब बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द मैं धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर लूं। ये भला कैसे मुमकिन है? तुम्हें तुम्हारी पूरी पेमेंट मिल चुकी है। मैंने जो एडवांस लिया है उसे मेनन सर रीपे कर देंगे। वो सब ठीक नहीं होगा। सुनो, हम तुम्हें रख के बहुत सारे प्रोग्राम प्लान किए हैं। अब तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो हमें क्या फायदा होगा? प्लीज सर, प्लीज। मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ। हाँ ओके, बट तुम्हारी ओर से हमें और भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आपके कहने का मतलब क्या है? इज देयर एनी फाउल प्ले? प्लीज, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भूल जाइए। फॉल प्ले? नॉट एट ऑल। तुम धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर रही हो और हमारी पहली की डीलिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, और फिर तुम्हें जो पेमेंट दी थी, हाँ, उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। बदले में हम तुम्हें जो भी काम देंगे वो करना होगा और उसका फल भी मिलेगा तुम्हें। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। हाँ, नरेंद्र, क्या है, आजकल कुछ ज्यादा ही गाने गा रहे हो? अरे मैम साहब, मैं सर को घर छोड़कर आ रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी मीटिंग होने वाली है, या सुनते ही मैं भागे चला आया। विदाउट नोटिफिकेशन एंड इंटरव्यू? किसी अपॉइंट किया है इस ग्रुप में, बताओ तो। आज तक नहीं हुआ, लेकिन आगे होने वाली है इसलिए बता रहा हूँ। ओह, तुम्हें पूरा भरोसा है, बहुत खूब। कौन है वो कैंडिडेट जिसकी पहुँच इतनी ऊपर है? मैं क्यों बताऊं मैडम, खुद अपने आंखों से आप देखने वाली हैं ये सब। हाँ, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। प्रोजेक्ट रेडी? ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 बजे होते ही नरेंद्र को मेरे घर भेज देना। हाँ, एक और बात, तुरंत एक अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो। डिटेल सब मेल में है, जीवन से साइन लेके उसे कंसेंट पार्टी तक पहुंचाना भी है। ओके ओके सर। मतलब यही है कैंडिडेट? इसे जानता हूं मैं, ये शेरनी है। हेलो इंदु। हाय इंदु, हैप्पी हो ना? ये भी कोई बात हुई? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल। तो फिर कल से ही ज्वाइन कर लो, मैं 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। ओके सर,
I'll be there. Bye. गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी आज से मैं मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी का चार्ज ले रही हूँ, पता है? खूब, जिसने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करके भेजा उसी से ये कह रही हो। दीदी जानती हो, दुबई के एक अच्छे से ऑफर को छोड़कर ही इस जॉब को एक्सेप्ट किया है, वो भी मेनन सर के कहने पर। मैं तुम्हें मान गई इंदु, बहुत ही कम समय में आज तुमने ऐसे रेप्यूटेड कंपनी में काम जो पा लिया है। इंदु मैडम, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ सॉरी दीदी, मैंने सोचा था कि मेरे आने से आप बहुत खुश हो जाएंगी, बट ओके ओके सर। ओके इंदु, लेट अस स्टार्ट। श्योर सर। डिस्कशन हो रही है, भयंकर डिस्कशन। बिजनेस सेंटर जरूर हड़बड़ी में गड़बड़ी है। इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और लोग पागल हो गए। साफ साफ बताओ ना, तुम्हें मेनन साहब के यहाँ काम करते कितने साल हो गए? यूं ही 15-20 साल हो गए होंगे। साहब आदमी कैसा है? क्या मतलब? अरे मेरे भैया, मेनन साहब उस मामले में कैसा है? अरे उस मामले में जवान को लगाम दो। तट वो लंगोट का कच्चा है। मेनन साहब ने जिसे अपॉइंट किया वो इंदुजा, इतनी जल्दी बाजी करके उस बच्ची को यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? जरा वो सोच के देखो, जरूर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। अरे कैसी गड़बड़ी बताओ तो। अभी जब मैं साहब के कमरे में फाइल लेकर गया तब वो लड़की और साहब दोनों हुआ। उसके बाद? मेरे प्यारे भैया, आपकी कसम मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। चलिए मैं बताता हूँ, ऑफिस में सब लोग इसी की चर्चा कर रहे। किस बारे में? किसी को कानों कान खबर ना हो इसलिए ये गोपनीय बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है भैया। अरे चमन, मंगल ग्रह गए हो? कौन सा स्टेशन? अरे वही लाल ग्रह में। नहीं तो? अरे तुमने जो अभी कहा उसकी खबर कहीं साहब को जो लग गई तो तुम्हें मंगलयान में बैठा के मंगल ग्रह पे भेज देंगे, उसके बाद बुध में भेज देंगे, और फिर गुरु शुक्र शनि रवि, 4 दिन बाद ही वापस आ पाओगे तुम, और वापस आओगे तो तुम्हारा कुंडा निकल गया होगा। अरे मेरा कुंडा निकलने से बचाइए मुझे। मेरे भैया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और आपने कुछ भी नहीं सुना। अरे चमनवा, ये सच है कि तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन सब कुछ मैंने सुन लिया भैया। चल चल चल, भग 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 भग। अगर इसकी मैं बात सुनी होती तो मैं फिसल गया होता बुड़बक कहीं का। और फिर माँ ने आपको धन्यवाद बोला है। क्यों बोला? अगर आपने मुझे जॉब ऑफर नहीं की होती तो मैं माँ को अकेला छोड़कर दुबई चली जाती। नहीं इंदु, तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम यहाँ तक पहुँच गयी। यू डिजर्व इट। कंपनी की तरक्की ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस सैलरी भी बढ़ेगी। थैंक यू सर। वेलकम। ये जो हम देख रहे हैं वो कहीं ख्वाब तो नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कुछ गणित कर रही है, उसकी आंखों से पता चलता है। सही कहा। हमारे बॉस भी उसकी जान में फंस गए हैं, यही सोचकर दुख हो रहा है मुझे। उसका कारण तुम ही हो, शूटिंग के बहाने उसका परिचय तुम ही ने तो बात से करवाया था और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा, शूटिंग खत्म हुए 5-6 दिन हो गए ना? हाँ हो गया। और टेलीकास्ट का टाइम हो गया ना? हाँ। एक काम करो, जरा चैनल वालों से पूछो। हाँ आया, मैं आता हूँ। क-
कनेक्ट मी टू द न्यूज एडिटर प्लीज. ओके, देन कनेक्ट मी टू द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द न्यूज एडिटर. हेलो, गुड आफ्टरनून न्यूज एडिटर. सॉरी मैडम, इंदु नाम का कोई रिपोर्टर हमारे चैनल में नहीं है. Neither reporter nor comparer. I am extremely sorry, madam. राकेश मेनन के यहाँ मैंने किसी को नहीं भेजा. सच बोल रहा हूँ मैडम, I swear. I think somebody cheated you. हाँ, हो गया. चैनल वालों ने किसी को भी इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा है. तुम्हारी माँ कैसी है सुदीश? वो ठीक है आंटी, चलने में थोड़ी परेशानी है. इंदु हमेशा लेट आती है क्या? अभी नौकरी लगी है ना, टाइम तो होगा. अच्छा, दुबई वापस कब जा रहे हो तुम? अभी तो कुछ सोचा नहीं आंटी, यहीं पे कुछ धंधा करने का प्लान कर रहा हूँ. अभी आई मैं. हेलो, हाँ बोलो ना. नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, उसके आने में समय लगेगा. बोलो. और उसके बारे में कह नहीं सकती, मैं जरूर आऊंगी. आंटी. ओ, मैं जा रहा हूँ. अच्छा बेटा. हाँ. उफ, हाँ अब बता. Take care. Good night. Good night. रात को मैं चेक करके सुबह रिपोर्ट दे दूंगी. अच्छी तरह चेक करने के बाद मुझे बुलाना. ओके ओके, गुड नाइट. रुक जाओ, क्या टाइम हुआ है पता है? तुम एक जवान लड़की हो, ये मत भूलना. कितनी देर तुम उससे बातें कर रही थी? माँ, वो राकेश मेनन सर थे, मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे. ऑफिस के कुछ जरूरी काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम. तेरे डैडी के जाने के बाद तुम्हें ऐसा पाला पोसा किसी को कहने का मौका नहीं दिया. मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना. माँ, मैं राकेश मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ. अब मुझे कभी कभी उनके साथ आउटिंग में भी जाना होगा और घर आने में समय भी लगेगा. मैंने सोचा था आप में थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा. छह, इस तरह से तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मुझे बुलाया है क्या? मुझे ऑफिस जाना है. ऐसे कुछ बोलने वाला जो तुम्हें पसंद नहीं है. कल दिल्ली से एक कॉल थी. रेस के सिलसिले में ना, तुम उस रेस में जाओगे तो तुम्हें गम नहीं है क्या? अगर है कहूँ तो है. कुछ दिन तुमसे दूर रहना पड़ेगा ना. मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो. But you should call me every day. Done. बिजनेस से संबंधित असाइनमेंट देने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है. थैंक यू सर. बॉम्बे बेस्ड आयुर कंपनी की स्टेबिलिटी और लेवलिटी के बारे में जांच करनी होगी. एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे. नो प्रॉब्लम.
यू जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द कंपनी एंड लोकेशन और एक हफ्ते के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स यहीं पे मिलेंगी, बस है ना? आई अप्रिशिएट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विगर मिस्टर सजीव पापाचन। कंपनी का नाम और पता यहाँ के लीगल सेक्शन से आप ले सकते हैं। देन आई शैल मेक ए मूव, सी यू सर विद द डिटेल्स। ओके, टेक केयर। सर, इंदु के बारे में मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। निवेदिता, तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूँ, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। वेर इज इंदुजा? टेल हर टू गेट रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आई एम रेडी सर, शैल वी मूव? ओके फाइन। कल की एयरिंग के बाद ही हम लोग वापस जाने वाले हैं। हाँ। मैंने तुम्हारे रहने के लिए आवाज का प्रबंध किया है। जी सर। ओके, चलो। सर। वेलकम सर। माय कीज प्लीज। वन मिनट। भैया। योर की सर। थैंक यू। कम इंदु। पहली बार घर से दूर रह रही हूँ सर। अब तुम्हें अक्सर मेरे साथ रहना होगा इंदु। हाँ। एक पर्सनल सेक्रेटरी का क्या काम है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, ये तुम्हारा सूट एंड की। रात का खाना तुम्हें रूम में ही मिलेगा। गो टू योर रूम एंड रिलैक्स। ओके सर। टेक केयर। सर दिस वे। ओके। हाँ सुची। हाँ जी, टेंशन मत लेना आप। एक खास बात बताने के लिए मैंने फोन किया। आज सुबह पेपर के साथ साथ एक कवर भी मिला, उसमें आपके और इंदु के बेडरूम के अश्लील फोटोज थे। क्या? It should be fake। वो सच नहीं है। तुम मुझे वो भेज देना। जी अच्छा। देखी सुची, मगर ये फेक है। हो सकता है, मुझे आपके सेक्रेटरी इंदु पे शक है। जरा आप उसे धमका के देखिए। गुड मॉर्निंग सर। आज की मॉर्निंग गुड नहीं है। क्या ये? हाँ? सर, क्या है ये? यही मैं भी पूछ रहा हूँ। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? डिनर के बाद मैं रूम में आ गई थी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। इसके पीछे कोई भी हो, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। गेट रेडी नाउ एंड वन मोर थिंग। आई डोंट वांट योर सर्विस एनीमोर। ओके, जिस इंसान को मुझ पर विश्वास नहीं है उसके साथ मैं भी काम नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी सर।
ये फोटोस आपसे ज्यादा बदनाम तो मुझे करने वाली हैं। इसलिए इसके पीछे किसका हाथ है ये जानकर ही रहूंगी मैं। उस चमन लाल ने जो कुछ भी कहा ऐसा लग रहा है वो सच ही था। ये दोनों कहीं चुपके से खिचड़ी तो नहीं पका रहे? छह चाहे कुछ भी पकाए दोनों। आजम खान ने मोदी जी पे निशाना साधा। वहीं रुक जा, क्या है ये? ये सब आंखों का धोखा है माँ। तो ये झूठ है? कल रात तुम दोनों कहाँ थे? एक रिसोर्ट में थे। तो ये सब सच नहीं है? 100% झूठ है माँ, हो इसलिए बोल रही हूँ। ध्यान से सुनो, अगर कोई अक्लमंद लड़की किसी मर्द से बात करती है तो उस लड़की का चरित्र ही खराब हो जाता है। आपको अब भी शक है क्या? तुम पर विश्वास है मुझे, मगर तुम्हें बदनाम करने वाले उस मेनन से आज ही मैं मिलके रहूंगी। गिरे बान पकड़ के पूछूंगी, ऐसा क्यों किया तुमने? माँ ऐसा मत करो माँ। मुंह बंद कर, क्या करना है मुझे पता है। मैं पत्रकार हूं, मैंने उन साहब से मिलना है। मैंने उन साहब नहीं है क्या? डैड आप बैठिए। नमस्ते साहब। बैठो। पहचाना नहीं? सर आई एम श्री कुमार। यस। देखिए मैं दैनिक भास्कर के एमडी हूँ। यस मिस्टर श्री कुमार, क्या बात है बताइए। बात बताता हूँ सर। देखिए आज सुबह किसी ने मेरे ऑफिस में ये कवर और कुछ डिटेल्स देखे गया, आप खोल के देख सकते हैं? खोले बिना ही मैं जानता हूँ कि उसके अंदर क्या होगा। मुझे और मेरी पत्नी को भी इसी तरह कवर किसी ने भेजा है। ओके ओके, मगर एक पत्रकार के ऑफिस में इस तरह का कवर आता है तो उसका अंजाम क्या होता है मालूम है ना? बेशक, इसे छापने के बजाय आप इसे मेरे पास लेकर आए, आपका बहुत धन्यवाद। बोलिए इसके बदले आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? रोजाना 2.5 लाख कॉपीज बेचने वाला एक आम पत्रकार हूँ मैं। एक कॉपी की कीमत 10 रुपए के हिसाब से लूंगा मैं। यू मीन 25 लाख? यस। मैंने इस फोटो की कीमत लगाई है सिर्फ 2 रुपए 50 पैसे। यदि मंजूर है तो मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। मैंने जो मांगा है वही लेकर रहूंगा मैं, और वो रकम आप मुझे देंगे। नहीं तो? तो फिर इस फोटो के साथ जो भी विवरण है उसे अखबार में छाप दूंगा। इतने साल से आपने जो भी नाम कमाया है वो पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। मिस्टर श्री कुमार, आज तक मैंने जो भी दौलत कमाई है वो अपनी मेहनत के बलबूते पर, इसलिए मुझे धमकाने का प्रयास मत करना। And will you please get out from this place? ये तस्वीरें आपको बर्बाद करके रख देंगी। Get out. क्या चाहिए? आंटी डैडी जाग नहीं रहे हैं। शराब पी के लुढ़क गया होगा, यहाँ आके पूछने की क्या जरूरत है? जाकर सिक्योरिटी से बोलो, दिमाग चाटने आ गई है। हाँ।
कहाँ से घूम कर आ रही हो तुम्हें है? कितनी बार पुकारा मैंने, तुमने कुछ बोला ही नहीं। बोला के नहीं बोला तो तुम्हें फिर से बुलाना चाहिए ना। तुमने मुझे फिर से क्यों नहीं बुलाया, जवाब दो। वो ये है कि इंदु दीदी के फ्लैट में गई थी। फिर इंदु दीदी ने क्या बोला? इंदु दीदी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना। चल भाग यहाँ से। मेरा सारा नशा उतर गया। इस तरह ऊ आ करना छोड़ के भागो यहाँ से, भागो। दारू के नशे में तुम इस तरह मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? रुको, वहीं पे रुको। मैं तुम्हारा कौन हूँ? कौन हूँ? डैडी हो। एक डैडी से इस तरह बात करती हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया पागल? तेरा वो होगा, तुम्हें ना झेलने के कारण जो घर छोड़ के भाग गया ना, वो पागल, वही असली पागल, नॉट मी। ओके, वो मेरी बेटी है, मैं उसे मारूंगा और पीटूंगा। तू कौन है पूछने वाली? अगर मेरे फ्लैट के सामने खड़े होके चिल्लाए तो मैं चिल्लाऊंगा, क्या करोगी, हाजी में लटकाओगी? यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तू बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई आजकल। मैं यहीं पे रह के पीऊंगा और शोर मचाऊंगा। चल तुझे करना तो करके दिखा। अरे मेरी बोतल, बोतल मत खींच। अबे छोड़। ये क्या, स्कॉच की बोतल, कांच की बोतल तोड़ दी तूने। अरे साहब जी, क्या है? तो बीच में टांग मत अड़ा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? देखने दो सर, मत बोल, जाए ऐसे। अब शांत हो जाइए। इसी पल दिखा दो तुझे। I will show you who I am। दिखाती हूँ। कहाँ भाग रही है, रुक जा। अरे सुधाकर साहब, ये सब क्या है? मेरी जेब का बैरा छोड़। I will kill you। कहाँ भाग रही है? तुम्हारे बॉस राजेश मेनन से मिलना है मुझे। उनका नाम राकेश मेनन है। कोई भी मेनन हो, मुझे उनसे मिलना है। उस मैडम से मिलिए आप। अगर उनसे मिलने गई तो काटेगा क्या? किसी से डरती नहीं हूँ मैं। तुम्हारे बॉस राजेश मेनन से मिलना है मुझे। आप कौन हैं ये जाने बिना? अच्छा वो भी बताती हूँ, मैं हूँ प्रमिला, यहाँ पर नौकरी करने वाली इंदु की माँ। वन सेकेंड सर, इंदु की माँ यहाँ पर आई है। She's very violent. हाँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ री, मैं violent हूँ। मेरी बेटी को बदनाम करके रख दिया ना। वो अंदर एक मीटिंग में है। कहीं भी रहे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप उनसे नहीं मिल सकती, आप जाइए यहाँ से। हाँ, यूँ वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं, आज उस मैनन से मिल के ही रहूंगी मैं। अरे कैसे अरे जाएंगी? उसे अंदर जाने मत देना। मैडम रुकिए, छोड़ो, रुकिए मैडम है मुझे। कहाँ ना छोड़ने के लिए? आप अंदर नहीं जा सकती हैं। कहाँ ना? अंदर नहीं जा सकती हैं। नहीं, मीटिंग हो रही है। मुझे उससे मिलना। आप अंदर नहीं जा सकती मैडम। जाओ यहाँ से। पीछे हटिए मैडम। पीछे हटिए। हटिए पीछे। चलो चलो चलो। निकल यहाँ से। चलो नाइसली। चलो चल। छोड़। छोड़ो मुझे। तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी खबर लूंगी मैं। हाँ जरूर। कमीना कुत्ता। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ छोड़ मुझे। मैं कुछ काला। छोड़। चलो, पुरानी फोटोज के साथ इन फोटो कर रख के एक कहानी मढ़ेंगे। इस खून के पीछे एक बिजनेस टाइकून है। अच्छी बात है। हमें अभी बहुत कुछ करना है।
तुमने जो आइडेंटिटी दी उसके मुताबिक ये चित्र बनाया। तुम इसके पीछे घूम रही हो। इसने कभी तुम्हें धमकाया है या कभी चुनौती दी है क्या? नो सर, 15-20 बार इसने मुझे फॉलो जरूर किया है सर। उसके घूर के देखने में ही मुझे कुछ खटक रहा था सर। हाँ सर, यही है सर। ओ, तो तुम हो वो आदमी। तुम्हारा नाम क्या है? वो सर शशांक है। रास्कल, सच सच बता, तुमने प्रमिला मैडम को किस लिए मारा? प्रमिला वो कौन है सर? इंदु से तुम्हारी शादी नहीं हो सकी इसलिए बदला लिया ना। ए भगवान, ये सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं। बदला? भला कैसा बदला? तुम इस लड़की के पीछे साये की तरह क्यों पड़े हो? ओहो, ये बात है। मैं इस मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सच बताऊं, मैं इस मैडम को बहुत चाहता हूँ साहब। जब से इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है तब से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ सर। सच बोल रहा हूँ, इंदु को देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है सर। देखिए देखिए, ये देखिए सर। इस पत्रिका में इंदु की फोटोज है सर। सिर्फ हिंदू ही नहीं सर, इंदु से जिसका भी रिश्ता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। इंदु मुझे बहुत पसंद है। किसी को पसंद करना क्या कोई गुनाह है साहब? तुम जाओ यहाँ से। बहुत धन्यवाद साहब, चलता हूँ साहब। इंदु तुम जा सकती हो, हम कांटेक्ट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर, जिस दिन प्रमिला की मौत हुई उस शाम प्रमिला और उसके पड़ोसी सुधाकर के बीच कहासुनी हुई थी, और उसके बाद प्रमिला को फॉलो करते हुए सुधाकर भी उसके पीछे गया, ये वॉचमैन का बयान है। फिर तुमने उसे गिरफ्तार किया कि नहीं? जी सर, वो अभी बाहर खड़ा है, वो एक शराबी है। अरे मानिकचंद, सुधाकर को यहाँ लाओ। सुधाकरन, कम इनसाइड। अरे सुधाकर ने, कॉल मी सुधाकर सर। हु डू यू थिंक आई एम? Do you think I'm an ordinary person? I'm an IT professional, you know? हट जा। ये तो ऐसा ही है। DGP, DCP. Good morning. क्या problem है सर? Problem क्या है? मैं बता देता हूँ। जरूर बताइए। जिस दिन प्रमिला का कत्ल हुआ, उस दिन तुम लोगों की लड़ाई हुई। लड़ाई हुई? और उसके बाद तुम उसके पीछे बाहर गए? और बाहर भी गया? सच बताओ, तुमने उनका खून कैसे किया? ये स्टाइल पसंद आया मुझे। DCP साहब, ये पुलिस का दिमाग अपने पास ही रखना। इल्जाम थोप रहा है मैंने प्रमिला को मारा बोल के, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या दिमाग है। अच्छा बताओ, उनके पीछे क्यों बाहर गए? मैं क्यों बाहर गया, इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने विवश नहीं हूँ। प्रमिला के पीछे मैं गया, इसका मतलब मैं उसका खूनी नहीं हूँ। अबे साहब के सामने जबान चलाता है, चुप हो जाइए साहब। इस तरह का सीन बहुत देखा है अपन। अगर कातिल नहीं मिला तो किसी और को पकड़ के कटहल बनाने का प्रोग्राम है ना आपका। डू यू थिंक आई एम एन ऑर्डिनरी मैन? I am an IT professional, you know. सुनो, इस सेल के अंदर डालो। कातिल नहीं मिला तो हम किसे कटल बनाते हैं? ये जरा इस IT वाले को दिखा दो तुम। छोड़ मैं, छोड़ मैं। अब फिर लेके जाए इसे। I will show you what I am going to do. DCP, I will teach you. I will show entire police जल्दी department. ले जा। May I come in, sir? Yes. Please. Thank you, sir. Okay, DCP. Sir, DYSP Alex जिस केस की जांच कर रहे थे उस केस से संबंधित पूरी डिटेल्स इस फाइल में है सर। खूनी का कोई सुराग मिला क्या? सर,
प्रमिला के पड़ोसी मिस्टर सुधाकर को हमने पुलिस कस्टडी में ले लिया। उसी प्रकार राकेश मेनन और प्रमिला के झगड़े से संबंधित एक वीडियो क्लिपिंग हमें मिली है सर। ओके, सटीक सूचना मिलने तक कोई भी न्यूज मीडिया को मत देना। और उसी प्रकार राकेश मेनन बहुत ही रिपीटेड बिजनेसमैन है, ठोस सबूत के बिना उन पर कोई कार्रवाई मत करना तुम लोग। जरा मैं इस केस को पढ़ना चाहूंगा सर। कुछ ठोस सबूत नहीं है मिस्टर मेनन के खिलाफ। यस सर। नाउ यू कैन गो सर। गुड मॉर्निंग कमिश्नर सर। मॉर्निंग। अभी डीसीपी से बात हुई मेरी। आपको इस केस में फंसाने के लिए डीसीपी बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के एक प्रोग्राम के लिए मैंने 15 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप देने से इनकार किया, तब से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे ऑफिस आकर मुझे धमकाने वाली औरत को मैं कभी कुछ करूंगा क्या? इसे समझने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। यू आर राइट मिस्टर मेनन, पर किसी ने उस सीन को मोबाइल में कैद करके पुलिस के हवाले कर दिया। इसके पीछे कोई है, ये एक प्लान ड्रामा है, दूध पीता बच्चा भी बोल सकता है सर। खैर आप अग्रिम जमानत ले लीजिए। किस लिए? आई एम इनोसेंट। हो सकता है, लेकिन ये जमानत फिलहाल आपकी रक्षा करेगी। जांच पड़ताल तो होती ही रहेगी और अवश्य वक्त सत्य को सामने लेके आएगा। ओके, आई विल टॉक टू माय एडवोकेट। ओके मिस्टर मेनन। बात है सर। कौन है ये? पर्सनल सिक्योरिटी। मतलब डर शुरू हो गया। तुम्हें जमानत मिली पता चला, तुम्हारे एडवोकेट की चालाकी से तुम्हें जमानत मिली। ज्यादा खुश मत होना। देखिए मिस्टर मेनन, आपको फंसाने के लिए ये अखबारी काफी है। इसकी उम्मीद थी मुझे 25 लाख रुपए घोषणा देने का अंजाम। गलत बातें छपने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसी साहब, मैं लीगली देख लूंगा। मरने से पहले प्रमिला ने आपको चुनौती दी थी और आपके वॉचमैन उसे घसीटते ले जा रहे थे और उसकी मोबाइल की पिंग हमारे पास है। देखिए सर, मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकाने वाली औरत को मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। कॉमन सेंस वाला कोई भी इंसान जानता है ये सब। बहुत खूब, पुलिस वाले को आपने ऐडा समझ के रखा है क्या? कमिश्नर साहब के दोस्त हो इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कमिश्नर के बदलते ही हम भी बदलेंगे और हमारी भाषा भी बदलेगी। आई नो सर, आम आदमी का पुलिस से भरोसा उठने के कारण भी यही सब है। पुलिस के अलावा इस केस को सुलझाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं यहाँ। इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं और शिक्षाली मीडिया जो है। साबित कीजिए, हम यहीं पे रहेंगे। हम चलते हैं। चलो इंदुजा, जब से इंटरव्यू में आई यानी कल तक की बात में कर रहा था आपसे। मेनन साहब, इससे एक बात साफ हो गई है, इसके पीछे किसी शातिर दिमाग का हाथ है। सर, अगर हम हिंदू को धमकाएंगे तो केस की तह तक पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली जिराफ। मुझे भी लगा किसी के इशारों पर खेल रही है वो। इंदू का मोबाइल नंबर आपके पास है ना सर? है। आज ही उस नंबर के 2 मास के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट लेटर तैयार करके रखो। डिटेक्टिव एजेंसी की लाइसेंस कॉपी भी रखना उसके साथ। 10 मिनट के अंदर लेटर रेडी। जंबो को लेटर लेके जाने दीजिए। हाँ, रेडी। आपके ऑफिस में सीसीटीवी है ना सर? अगर 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग्स मिल गईं, मोबाइल में जिसने भी फोटो लिया है उसको ट्रेस कर पाएंगे। सुनो, तुम साहब के ऑफिस में जाकर वीडियो क्लिपिंग्स भी कलेक्ट कर लेना। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी टीम कातिल को पकड़ने में कामयाब अवश्य होगी। इस ब्यूरो के उद्घाटन के दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन आप मेरे काम आएंगे। सर, आप धैर्य रखें, यह हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन है। यह साबित करने के लिए हम पूरी ताकत को ही झोंक देंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, लेटर रेडी। यस जंबो। हाँ।
ये लेटर लेकर तुरंत मोबाइल ऑफिस जाओ। ओके सर। हेलो चंदन भाई। जी साहब। हमें इंदु का अपार्टमेंट दिखा सकते हो? लेकिन कुछ दिनों से वो बच्ची यहाँ नहीं है सर। ये नहीं हो सकता है चंदन भाई, वो भला कहाँ जाएगी? वो भला मैं क्या जानूं, पड़ोसियों से भी बताया बिना अचानक वो न जाने कहाँ चली गई। अरे साहब जी, आप उसके मोबाइल पे जरा फोन करके देखिए ना। उसका नंबर तो स्विच ऑफ है सर, अब क्या करें हम सर? इंदुजा नहीं तो फिर उसकी सहेली से मिलना ही होगा। थैंक यू। आपके डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में मुझे पता है, एक एडवेंचरस स्टेप। वास्तव में मैं भी इस तरह के कामों में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। हाँ, फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताता हूँ, तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना इंदुजा की। कुछ दिनों से इंदुजा की कोई खबर नहीं है, वो मिसिंग है। हाँ मैं उसके घर हो आई थी, मगर घर तो बंद है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ है। ठीक कहा, इंदु की क्लोज फ्रेंड होने के कारण उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो वो हमें बता दो। लेकिन मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकती, कल आपके ऑफिस आ जाऊंगी। नो इश्यूज, हम वहीं मिलेंगे। सी यू। अच्छा। इंदु की कॉल लिस्ट मिल गई। ओके, सीसीटीवी के दृश्य में केवल उस दिन का दृश्य नहीं है। लगता है किसी ने जानबूझकर हटा दिया है। सही कहा। अच्छा रजना, बाहर बैठो, मैं बुलाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। एक्सीलेंट डिटेक्टिव एजेंसी, कौन है इसका डायरेक्टर? मैं हूँ सर, सजीव पापचन। वैसे अगर आप तमीज से बात करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो सर प्लीज, ये संस्था सरकार के आदेशों का पालन करने वाली संस्था है, ये मत भूलिए सर, और वैधानिक है। लाइसेंस प्लीज। अरे वहाँ देखिए, लाइसेंस की कॉपी है। हाँ हाँ सर, हम पाकिस्तानी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबके सब बालिग हैं और भारतीय नागरिक हैं। खबर मिली है कि तुम प्रमिला केस जांच कर रहे हो, वो हमें चाहिए। बहुत खूब, कोई मेहनत किए बिना ही आराम से मलाई खाना चाहते हैं ये लोग। सर वारदात के 5 दिन बाद ही मेनन साहब ने हमें ये केस सौंपा। पहले इस केस की पड़ताल डीएसपी साहब ही कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए हमारे लिए कौन सा सबूत छोड़ करके गए थे आप? हाँ, हम अपनी बुद्धि के बल पे ही इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और बुद्धि किसी किराने की दुकान पे नहीं मिलती है साहब। तुम्हारे पास जो कुछ भी सबूत है हमारे हवाले कर दो, करना पड़ेगा तुम्हें। देखिए, सबूत देना है या फिर नहीं, इसकी हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं सजीव पापचन। बोलो। आपके डीसीपी यहाँ लुक्का छिपी खेल रहे हैं मुझसे। आई सी। उन्हें हमारी फाइल चाहिए। सुनो सजी, जरा वो फोन डीसीपी को देना। जी सर। आपके डीजीपी है, बात कर लो। सर डीसीपी बोल रहा हूँ। सुनो, बीएसएफ के कमांडर जो तुमसे भी सीनियर है उनसे पंगा ले रहे हो तुम। वो ऐसा है कि वो जो भी कर रहे हैं मेरे कहने से कर रहे हैं। अगर तुमने उन्हें फिर से परेशान किया तो नौकरी से निकाल दूंगा मैं। ओके सर, सॉरी सर, वी आर लीविंग सर। लीजिए सर, 1 मिनट। सर जिंदगी में कभी मेरी भी ख्वाहिश थी आईपीएस ऑफिसर बनने की, पर काफी मेहनत भी की, लेकिन आरक्षण के नाम पर मुझे नहीं मिला। आई एम सॉरी मिस्टर पापचन, वी अंडरएस्टिमेटेड यू। ओके ओके, कम ऑन।
तो सिर्फ इंदु ही नहीं, उसका लवर कार्तिक भी मिसिंग है। ये केस और भी उलझता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? थक गया, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा, अब मैं गिर जाऊंगा। बहाना नहीं चलेगा, रोजाना तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। Come on। आज ये नया कानून क्यों लागू किया है आपने? First obey, then complain। Okay? सर ये उस तरफ देख के क्यों भौंक रहा है? सर आमतौर पे ये इस तरह भौंकता नहीं है। यहाँ कौन रह रहा होगा? दाल में कुछ काला लग रहा है सर। बिना किसी कारण के जैकी भौंकता नहीं है। चलो देखते हैं। चलो चलो, चलो 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 चलो, वहां देखते हैं, वहां देखते हैं। यहां कोई नहीं है, वहां चलो, वहां चलो, उस कमरे में चलते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ आइए। नो, केस के पीछे इन्हीं सबका हाथ है कार्तिक। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी कार्तिक, प्लीज कोऑपरेट विद अस। हाँ, सिर्फ दो दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर दूंगा मैं। इसका असली सूत्रधार अभी भी पर्दे के पीछे ही है, उसे भी गिरफ्तार करने के बाद ही हम इस केस को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे। कार्तिक तुम कहाँ थे यार? इंदु तुम्हें देखे बिना बहुत परेशान है। और फिर एक गुड न्यूज भी है, इंदु से मेरी बात हुई, वो हैदराबाद में है। उसने क्या कहा? उसने मुझे सब कुछ बता दिया, कल की फ्लाइट से वो आ रही है। कितने बजे की फ्लाइट है? सुबह 9:45 को। क्यों ना हम तुम्हारे फ्लैट पर जाएं इंदु? नहीं सर, दुखों से घिर गई थी मैं, इसलिए हैदराबाद चली गई थी। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ दादी माँ है, पापा मम्मी है, सब कोई है। वहाँ मुमकिन नहीं रंजना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंदु से हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्यों ना हम एजेंसी में चलते हैं, वही बेहतर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इंदु को एक सरप्राइज भी देंगे। सरप्राइज? वो क्या है? वो सब मैं वहाँ जाके बताऊंगी। केस जीतने के बाद पार्टी लेंगे। चल बे। Oh.
get back. डीजीपी सर, कौन थे ये सब? कार्तिक का अगवा करने वाले लोग। अगवा करने वाले लोग? तो कार्तिक कहाँ है? वो आ रहा है, देखो। कार्तिक, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इंटरनेट के जरिए नौकरी का मिलना और रिसोर्ट में जो कुछ भी हुआ वही मैंने आपको बोला है। नहीं जी हाँ, मगर फिलहाल उसका फोन स्विच ऑफ है और साथ ही वेबसाइट भी एक्टिवेटेड नहीं है। वो सब फ्रॉड वेबसाइट्स थी इंदु। चैनल इंटरव्यू और वनडे कवरेज सब कुछ इंदु को मेनन साहब की कंपनी तक पहुँचाने का सिर्फ एक जरिया था। तो फिर कौन है वो थर्ड पार्टी? ये मेनन साहब की दबाही चाहने वाला कोई भी हो सकता है। हाँ, उस कंपनी के वॉचमैन के बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल करनी है। जी सर, उसके लिए जम्बू ही काफी है साहब। जिराफ भी कोई कम नहीं है। तुम दोनों घूम कर आ जाओ। यस सर, कम ऑन। ओके। हेलो। हाँ हाँ, हम अभी पहुंचते हैं। सर, एक सुराग मिल गया है। जा? ये वही मॉडल है साहब। हाँ, ओके। अरे हाँ, आ गया। अरे नजीब, वो चीज कहाँ है? ये तुम्हें कैसे मिला? मोबाइल यहाँ लाने वाला तो एक टैक्सी ड्राइवर है, मुझे नहीं लगता वो इसका मालिक होगा। सुन हो गया। सर रख लो, क्या रख लो यार। इसी बंदे को लपकना है। क्या हाल चाल है भैया? क्या बताऊं, तुम कौन है पहचाना नहीं? हमें आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खून हुआ था ना, उसकी जांच कहाँ तक हुई? कैसी जांच? फाइल तो बंद हो गई ना। इस तरह केस खत्म नहीं होना चाहिए। मर्डर के ठीक तीसरे ही दिन गिरवी रखे 2 लाख रुपए के गहने सहकारी बैंक से छुड़वा लिए। उसके अलावा
50,000 दो बार तुमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। मैं गहने गिरवी रखूं या पैसे डिपॉजिट करूं, वो सब मेरी मर्जी है। तुम कौन हो पूछने वाले? हम कौन हैं? बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा। सच बताओ, तुम लोग पुलिस हो क्या? हम पुलिस वाले नहीं, लेकिन रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं, CID। आपने अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म सहनशाह देखी है क्या? हाँ, देखी है। हम उसी सहनशाह के बहुत बड़े फैन हैं। गुनाह कबूल करवाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। सच बताया तो तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे। साहब, आपको क्या जानकारी चाहिए? अगर आप मुझे बचाएंगे तो सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। इस सीने में जो भी राज दफन है, उस राज को खोल देता हूँ साहब। रिपोर्ट मिल गई और सारी डिटेल्स भी है। वेबसाइट के सारे विवरण साइबर सेल से हमने ले लिए हैं और अब ये केस खत्म होने के मुकाम पर आ गया है। मगर वेबसाइट बनाने वाला वो शख्स अभी भी अंडरग्राउंड है। लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा, इससे उस बंदे को क्या फायदा होने वाला है? बताता हूँ, बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मुझे मिला और बेस्ट बिजनेसमैन ग्रुप है धनलक्ष्मी ग्रुप। इससे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। As a matter of fact, मुझे और मेरी कंपनी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जाने अनजाने में इंदु इसमें फंस गई सर। I know very well. केस को कोर्ट में आते ही हम उसे सरकारी गवाह बना लेंगे। एडवोकेट से इस बात पर मेरी चर्चा भी हो चुकी है। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कल जो सूचित किया था उसका होना जरूरी है सर। ये सही है सर, डिटेक्टिव एजेंसियों की एक सीमा होती है। गवर्नमेंट की परमिशन से सिर्फ पुलिस ही वो काम कर सकती है। डोंट वरी, मिनिमम एक हफ्ते का टाइम मांगा है मुझसे DGP ने, उसके अंदर सब ठीक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है सर? वो सब जाते समय बताऊंगा, फिलहाल आप जीप में बैठिए मिस्टर राकेश। अटैच मुझे दीजिए साहब। सर, प्रॉब्लम क्या है जानने के बाद ही मैं गाड़ी में चढ़ूंगा। वो सब मैं आपको समझाता हूँ, आप हमारी कहना मानिए और फिर मंत्री या DGP से फोन मत करवाना। सर प्लीज, आई वांट टू टॉक टू माय लीगल एडवाइजर। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के कारण ये मेरा अधिकार बनता है सर। जल्दी करो सर, एक DSP आकर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लेट मी टॉक टू द DSP। एक मिनट देता हूँ, मैं एडवोकेट है। हेलो सर, हाई कोर्ट एडवोकेट मनोज तिवारी। किस लिए आप मिस्टर राकेश मेनन को तंग कर रहे हैं? सॉरी मिस्टर एडवोकेट, सिटी पुलिस स्टेशन में आइए आप, जो भी सफाई देनी है वहां आके दीजिए। सी यू देयर। सीधी तरह चल बे, चल बाजू हट। हाँ चल अंदर। प्रमिला मर्डर केस के कातिल हैं ये? प्रमिला मर्डर केस में मिस्टर सुधाकर का क्या रोल है सर? इस केस में इनके खिलाफ प्लीज नो कमेंट्स। क्या आप सबूत दिखा पाएंगे? नो कमेंट्स। पुलिस वाले बात इस बारे में बाद में बात करते हैं, आप लोग जाइए जाइए। सर प्लीज सर, प्लीज सर, चलो जाओ यहाँ से, चलो हटो हटो, प्लीज हटो, प्लीज सर प्लीज बताइए, प्लीज सर प्लीज। जेंटलमैन, 3 हफ्ते पहले इस शहर को दहलाने वाला वो खून और उसके बाद जो कुछ भी हुआ यहाँ पे, उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इन्वेस्टिगेशन के हर चरण पर हमारी पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर वहाँ पर जिसने हमारी पुलिस की सहायता की वो बेचारा एक IPS ऑफिसर तो नहीं बन पाया, लेकिन अपनी टीम के साथ उन्होंने हमारी मदद की। उनकी एक्सलेंट डिटेक्टिव एजेंसी ने ही मार्ग से भटके हुए उस केस इन्वेस्टिगेशन को सही मार्ग पर पहुंचाई है। सर, ये पुलिस की नाकामी को दर्शा रही है ना? ठीक बोला ना? यू आर रॉन्ग। सच को साबित करने के लिए पुलिस किसी की भी मदद ले सकती है। आम जनता ने भी कई बार पुलिस की मदद की है। BSF का वो बहादुर ऑफिसर यहीं पर है, अब आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर सजी पापचन, प्लीज कम। शाओ 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 शाओ।
सर शैल आई यू मे कंटिन्यू। फ्रेंड, हमें सौंपा गया पहला केस है ये। प्रमिला मर्डर केस में मिस्टर राकेश मेनन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, ये प्रूफ करना हमारा लक्ष्य था। मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इससे संबंधित कई तथ्य सामने आए। प्रमिला मर्डर केस की तह तक पहुंचने से पहले मैं आपका परिचय एक और शख्स से कराना चाहूंगा। जंबो, ब्रिंग हिम। आओ यार। सर। सर, हु इज ही? यही अपराधी है सर। बताता हूँ, यह है श्रीधरन नंबियार, नेल्लिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर एंड आईटी एक्सपर्ट, भारत के कई बिजनेस टाइकून को पीछे छोड़कर ऊंचाई तक पहुंचने वाले इस राकेश मेनन साहब से ये बहुत जलता था और जाती दुश्मनी भी थी। इसलिए उसने मरहूम प्रमिला की बेटी इंदुजा को एक चैनल में काम दिला के धनलक्ष्मी ग्रुप में भेज दिया। इसने जैसा सोचा ठीक वैसे ही इंदु को मेनन साहब की कंपनी में नौकरी मिल गई। इंदु के जरिए कंपनी की गोपनीय फाइल को पाना इसका लक्ष्य था, मगर प्रमिला मर्डर केस के कारण इसके मंसूबों पर पानी फिर गया। इनका प्रमिला मर्डर केस से क्या संबंध है सर? इनका उस केस से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर साइबर कानून के तहत इनके ऊपर एक केस जो है। हैंड ओवर हिम टू द पुलिस। यस सर, कम ऑन। इस केस में पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया मृत प्रमिला के पड़ोसी सुधाकर को। बोलो सुधाकर, उस दिन क्या हुआ था? मैं बोलता हूं सर, जिस दिन प्रमिला मैडम का कत्ल हुआ, ये सच है कि उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके बाद प्रमिला मैडम सीढ़ियों से उतरने लगी और मैं भी उनके पीछे पीछे चलता गया, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं अपने मूड को ठीक करने के लिए थोड़ी सी और पीने के लिए बाहर गया था। सुधाकर बेगुनाह है, ये पुलिस की जांच से ही पता चल गया। मगर इस केस से एक और फायदा हुआ है, पुलिस ने सुधाकर को डी एडिक्शन सेंटर में भेज दिया। वहां पर रह के इलाज करवाने के बाद सुधाकर बिल्कुल ठीक हो गया है। मगर असली अपराधी कौन है सर? बताता हूं, जांच के दौरान पुलिस की छोड़ी हुई एक कड़ी हमें मिल गई, ये शशांक। पुलिस ने इसे इंदु का फैन समझकर यूं ही छोड़ दिया, मगर इस केस में एक अहम सुराग हमें इस शशांक के मुंह से ही मिला। जब मैं वहां पहुंचा, प्रमिला मैडम एक कार के आगे आगे जा रही थी और पीछे से एक बाइक सवार भी फॉलो कर रहा था। जिस कार पे मैं हाथ रख के खड़ा था, वो अचानक खिसक गई। फिर राकेश मेनन को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? श्रीधरन नंबियार के रचे हुए एक सेल टैक्स के केस में इसे गिरफ्तार किया गया। राकेश मेनन को बचाने का प्लान कर रहे हैं ना सर आप? अरे नहीं नहीं, मिस्टर श्री कुमार, आप पूरी कहानी सुनिए ना। शशांक और सुधाकर के मामले में एक ऐसा किरदार है जिसे पुलिस ने अनदेखा कर दिया था। वो है एक कार। किसकी कार थी वो सर? किस तरह तुमने प्रमिला मैडम का खून किया बताओ? बताता हूं, बचपन से ही मैं इंदु से बहुत प्यार करता था और अपने दिल की बात मैं इंदु से बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके लिए
मुझे एक अच्छी नौकरी की जरूरत थी, वो भी मिली। उसी दौरान इंदु एक रियलिटी शो में भाग लेने गई और उसी दिन मैं इंदु की माँ से अपने दिल की बात बताई और वो मेरी बात सुनकर राजी हो गई। साथ ही इंदु का हाथ मेरे हाथ में देने का वादा भी किया। फिर तुमने प्रमिला का मर्डर क्यों किया? बताता हूँ सर, और उन्होंने मेरे साथ जो गद्दारी की, मेरे जगह आप होते तो वही करते। लिस्ट के बारे में सबको बताओ। रियलिटी शो में भाग लेने के लिए पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। कई बार मैंने बहुत पैसे देकर प्रमिला मैडम की मदद की है, मगर प्रतियोगिता में जीतने के बाद प्रमिला मैडम वचन से मुकर गई। धीरे धीरे मुझसे कन्नी काटने लगी। जब भी मैं शादी का बात करता तो वो मुझसे कुछ और ही बात करने लगती। इसी दरमियान इंदु कार्तिक से मोहब्बत करने लगी और उनकी मोहब्बत को प्रमिला मैडम ने स्वीकार भी कर लिया। प्रमिला मैडम के मरने के 2 दिन पहले मैं इंदु के घर गया। तो मामला ये है, काम पूरा निकल गया तो मैं रास्ते का पत्थर हो गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी क्या बात हो गई? मुझे बेवकूफ समझ रही हैं आप? मैं जा रहा हूं, बेटी से भी बोल देना। उस दिन मैं प्रमिला मैडम से अपनी विवाह की बातें करके भिड़ गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंदु से मेरी शादी नहीं होगी। इंदु को बुलाने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, मगर मैं नाकाम रहा। फिर से प्रमिला मैडम से मिलने के लिए तैयार हो गया, मेरी इंदु की खातिर। प्रमिला मैडम, अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो इस दुनिया का कोई भी मर्द उससे शादी नहीं कर पाएगा। उसी के लिए मैंने मैनन साहब के साथ उसका फेक वीडियो बनाया है। अरे कुत्ते, तो इसके पीछे तेरा ही हाथ था। वर्गीस को पैसा देके इसने सीसीटीवी फुटेज को भी हटा दिया। मिस्टर मेनन और प्रमिला के बीच जो कहासुनी हुई उस दृश्य को मोबाइल फोन में कैद करके इसने पुलिस को भेज दिया। मगर लाख प्रयत्न करने के बाद भी कोई सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अरेस्ट है। सजी पापचन की डिटेक्टिव एजेंसी हमारे लिए काफी मददगार साबित हुई। इस उम्र में भी वो बहुत ही फुर्तीले जो हैं, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतीक हैं वो। ठीक उसी प्रकार इंदुजा भी इंटरनेट के बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गई थी। इंटरनेट कई युवा पीढ़ियों के जीवन को तबाह कर रहा है। अगर इंटरनेट का सही प्रयोग करेंगे तो समस्त ज्ञान से भरा हुआ वो जाल है और विश्वसनीय मित्र भी। इसके साथ ही एक सच्चा मार्गदर्शक भी है, यूज इंटरनेट बट डोंट मिसयूज इट। ऑल द बेस्ट मिस्टर सजी पापचन एंड टीम। थैंक यू सर। हेलो